नमस्ते फ्रेंड्स, इस छोटे से इंडोर प्लांट्स गार्डन में मैंने तो वर्टिकल लुक दिया है, पर आप किसी भी टाइप से इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। मैं भी टाइम टू टाइम इनकी लोकेशन चेंज कर लेती हूँ। इंडोर प्लांट्स घर की डेकोरेशन के लिए तो बेस्ट हैं ही, साथ में ये एयर प्योरीफायर का भी काम करते हैं। हमारे घर में तो जितनी भी जगह हमारे पास हो, हमें इंडोर प्लांट्स लगाने चाहिए। इससे ग्रीनरी के साथ साथ घर भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ हमें इनकी केयर कैसे करनी है। सभी इंडोर प्लांट्स में हमें कुछ कॉमन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इन प्लांट्स को घर के अंदर ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट हमेशा आती हो, तभी ये अच्छे से चलेंगे। इन प्लांट्स के लिए वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, जो पानी में ज़्यादा टाइम एब्जॉर्ब करके पानी को ना रखें। इंडोर प्लांट्स के ख़राब होने का मेन रीज़न ही ओवर वाटरिंग है। ओवर वाटरिंग इसलिए बिल्कुल भी ना करें, सही से चेक कर लें पानी लगाने से पहले, और मिट्टी में बिल्कुल भी नमी ना हो तभी पानी दें। और हाँ, इनको तेज डायरेक्ट सनलाइट में भी आपको नहीं रखना है, ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं सभी। और जब भी आप इनको नर्सरी से लेकर आए, इनको एकदम से रिपोर्ट ना करें, इनको नए एनवायरनमेंट में कुछ टाइम के लिए एडजस्ट होने दें। और साथ ही किसी सॉफ्ट क्लोथ से वीक में एक बार इनकी लीव्स को साफ करते रहें, जिससे इनकी पत्तियाँ चमकदार दिखेंगी आपको। और आपको कुछ अगर इनमें कभी येलो लीव्स, ड्राई लीव्स दिखें तो आप उनको भी हटाते रहें। सभी इंडोर प्लांट्स को मंथ में एक बार अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, इससे इनको किसी तरह के इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो अब मैं आपको कुछ आसानी से ग्रो होने वाले इंडोर प्लांट्स दिखा देती हूँ, तो चलिए चलते हैं। ये है मनी प्लांट, ये सबसे पॉपुलर इंडोर प्लांट है। इसका असली नाम पोथोस है, ये वाइट वेरिएशन वाला एंजॉय पोथोस है। मनी प्लांट को आप अगर हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, इसको आप पानी और मिट्टी दोनों में आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। इसे तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और ये देखिए, गोल्डन लीव्स वाला मनी प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। इसकी लीव्स का कलर देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। और हमारा ये नेक्स्ट प्लांट एरिका पाम है। देखो आप, इसकी पत्तियों का पैटर्न कितना ही अच्छा है। एरिका पाम बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट भी है। अगर आपको किसी रूम के कॉर्नर को अगर आपको डेकोरेट करना है तो उसके लिए परफेक्ट प्लांट है। इनडायरेक्ट सनलाइट में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और देखिए, इसके नीचे से नई नई ब्रांचेस निकलती रहती है और पूरा गमला भर जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये जीजी प्लांट बेस्ट इंडोर प्लांट है आपके लिए। इसको पानी तो बहुत ही कम देना है। अगर आप इसको 1 मंथ तक भी पानी नहीं देंगे तब भी ये ठीक रहेगा। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट प्लांट है। आपको इसमें इसके पानी की टेंशन नहीं रहेगी जब भी आप बाहर जाएंगे। और इसकी डार्क ग्रीन लीव्स आपके घर और ऑफिस को तो सुंदर बनाते ही हैं, साथ ही नासा के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये स्नेक प्लांट की लंबी पत्तियों वाली वैरायटी है। स्नेक प्लांट बहुत ही इजी टू केयर और बेस्ट इन एयर प्योरीफायर प्लांट है। लो लाइट में भी अच्छे से ग्रोथ करता है। और अगर आप पौधों को पानी देना भूल जाते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लांट है। स्नेक प्लांट में ये ड्वार्फ वाली वैरायटी भी आती है। इसको आप अपने टेबल या किचन टॉप पर भी रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। ये मेरे फिलोडेंड्रोन के कुछ प्लांट्स हैं, ये भी 3-4 कलर्स में आते हैं। और इसकी नॉर्मल और मिनिएचर दोनों तरह की वैरायटीज नर्सरी में इजली मिल जाएंगी आपको। और ये गोल्डन लीव्स वाला मुझे सबसे सुंदर लगता है। देखिए, मॉस स्टिक के साथ लगाने से इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी और सुंदर हो गई हैं। बस आपने क्या करना है, इसकी मॉस स्टिक को मॉइस्ट रखने के लिए पानी का स्प्रे करते रहें, तो इसमें ऐसी ही बड़ी पत्तियां हो जाएंगी आपकी और बहुत ही घना और सुंदर बन जाएगा। ये स्पाइडर प्लांट है, ये आप गमले और बास्केट दोनों में ही लगा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। और देखिए, साइड में इसके न्यू ग्रोथ हो रही है,
इससे धीरे धीरे हमारा गमला पौधे से भर जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। ये रेड एग्लोनीमा मेरा फेवरेट प्लांट है और ये मेरे इंडोर गार्डन एरिया में सुंदर कलर ऐड करता है। फ्रेंड्स, ये एग्लोनीमा की ये वैरायटी थोड़ी कॉस्टली आती है और वाइट कलर की लीव्स वाला ये चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनीमा है। ये भी बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही हार्डी है। और अगर आप बिगनर हैं तो ये वाली वैरायटी आप लगा सकते हो, ये शेड लविंग प्लांट है। जेड प्लांट एक तरह का सेकुलेंट प्लांट है, इसको लकी प्लांट भी माना जाता है और लोग इसको काफ़ी गिफ्ट में भी देते हैं। इसको इंडोर एंड आउटडोर दोनों में रख सकते हो आप, लेकिन इसको घना और सुंदर अगर आपको बनाना है तो समय समय पर इसको धूप भी दिखानी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा समय लो लाइट में रहने से इसकी लीव्स कमज़ोर होकर गिरने लगती हैं और इसको पानी भी बहुत ही कम चाहिए। इसको कटिंग से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और देखिए मेरा ये क्रोटोन का प्लांट कितना कलरफुल है, इसकी एक ही प्लांट की लीव्स में कितना कलर वेरिएशन है। पहले इसकी लीव्स देखो येलो होती हैं और बाद में रेड हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंडोर प्लांट्स जिनको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो और अपने घर में एक सुंदर सा ग्रीन कॉर्नर बना सकते हो। आई होप आप भी अपने घर में हवा को शुद्ध करने वाले ये सुंदर से प्लांट्स लगाएंगे। विंटर सीजन में इनकी ग्रोथ कुछ कम हो सकती है, लेकिन जैसे ही सब स्प्रिंग सीजन आएगा उसके आते ही अच्छे से ये ग्रोथ इनमें शुरू हो जाएगी। मेरा इंडोर प्लांट्स का छोटा सा कलेक्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एन्जॉय योर गार्डनिंग। बाय बाय।